के तो पैसे दिए, 3 तो ऐसा लगता है फ्री में आ गई। तो वेलकम बैक टू आवर लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ आवा। जो आज का ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं बहुत लेट, 1:30 बजे से, 1:21 हो गया बेसिकली, 1:30 बजने वाले हैं मोरलेस। और मैं बैठी हूँ अभी थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज जो मॉर्निंग से इतना ज़्यादा भागम भाग स्टार्ट हुई है। मॉर्निंग में हम थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लानी थी, वेजिटेबल लाने थे, फ्रूट्स लाने थे, देन घर में आके फिर मैंने खाना में दाल चावल आटा आलू ये सब, मतलब आटा लगा के रखा था और आलू बॉईल करके रखे थे। तो इतना सब करने के बाद शावर लिया एंड अभी मैं बैठी हूँ। आज मैंने मेरे मास्क को भी थोड़ा सा क्लीन किया है, समर स्टार्ट हो गया है, बाहर ला के जाओ ना, तो इनके बिना लगाए हम जा नहीं सकते। और लगाने के बाद इतना ज़्यादा सफोकेशन होने लगा है, और ये जो है ना थोड़े से थिक भी है, और इसके अंदर भी 2 लेयर थी, तो उनको मैंने आज रिमूव किया है, वॉश की है, इनको भी सैनिटाइज क्लीन किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, बट स्टिल समर्स में ऑलरेडी सफोकेशन होता है नॉर्मली। और मोरलेस यहाँ का जो वेदर है वो ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है स्टिल, लेकिन बाहर तो गर्मी होती है। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ टेंटन है कुछ शीट मास्क, जो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, ऑनलाइन हर बार ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, बट इस बार मुझे समझ में आया कि कितनी कॉस्टली पड़ती है ये। हर बार जब भी मैं लेती थी तो ऑफ़र में लेती थी, नायका में जब भी 3 buy 3 get 3 ऑफ़र आता था, तो इतना नहीं पता चलता था। ये 3 के तो पैसे दिए, 3 तो ऐसा लगता फ्री में आ गई, तो वो 50 रुपये की या 75 रुपये की ऐसी एक शीट मास्क पड़ती थी। बट अभी सिंगल पैनी भी कम नहीं की है, प्राइस टू प्राइस देते हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट खुल गया है। लेकिन मैंने सोचा ऑनलाइन देखा नहीं मैंने डिलीवर हो रही है या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आज गई थी चीज़ें लेने, मुझे दिख गई। तो मैंने 1 2 3 4 5 शीट मास्क ले लिए हैं, क्योंकि सीरियसली गाइस आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शीट मास्क लगाना, स्पेशली इनकी फ्रेगनेंस और जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है शीट मास्क के। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर कोई ये वाली शीट मास्क लेके लगाओ, अमेजोन में आती है DIY शीट मास्क, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ, अब नेक्स्ट टाइम मैं वही ऑर्डर करूँगी, बिकॉज अब इस बार समझ में आया कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो उनको लेके घर में ही आपको जो भी लगाना है, जिसका भी आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक अगर आपको कुकम्बर वाली, मैं इसमें बताती हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई कुकम्बर शीट मास्क, मैरी बेला की है, कुकम्बर फेयरनेस फेशियल शीट मास्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो शीट मास्क है, लुक एट दिस, ये जो शीट मास्क है इसे हम घर में भी बना सकते हैं। कुकम्बर का जो एक्सट्रैक्ट है, जूस है, उसे निकाल के शीट मास्क को उसमें डिप करके देन अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये शीट मास्क मैं ऐसा नहीं एक बार यूज़ करती हूँ, एक शीट मास्क एटलीस्ट मैं 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ एक तो ये, सेकेंड टर्मरिक, थर्ड रोज, एंड 2 यहाँ पे मैंने ली है गार्नियर की शीट मास्क, जो कि 99 रुपीज की पड़ी है, सबसे सस्ती पड़ी है, और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, ये वाली मैंने यूज़ नहीं की थी। सो ये मैंने सोचा क्विकली आपके साथ शेयर कर देती हूँ जब तक मैं रेस्ट कर रही हूँ 5-7 मिनट, क्योंकि अभी मुझे चपाती डालनी है, ऑलमोस्ट खाना रेडी है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना लंच, क्योंकि बाहर से जाके आती हूँ। आजकल मेरे व्लॉग में खाना खाना ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर में रहना होता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं आपको दिखाने के लिए। लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ स्पेशल कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बस यार डिटॉक्स वाटर, ओह गॉड, दिमाग को भी जंग लग गई है मेरा कहते। तो डिटॉक्स वाटर आज मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं ऑलरेडी, मेरे वीडियो है उसकी ऑलरेडी, मेरे चैनल पे उसकी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली किसी भी चीज़ का बना लेती हूँ, फ्रूट्स का, लेमन का, कुछ का भी डिटॉक्स वाटर बन जाता है। तो चलो गाइस, बहुत ही तेज़ भूख लग रही है, अभी मुझे चपाती बनानी भी है, तो चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं, खाते हैं एंड फिर बातें करते हैं आराम से। तो आज मैंने बनाया है खाने में मूंग दाल तड़का, इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया हुआ है, यहाँ पे बना रही हूँ अब मैं, एंड ये बनने वाली है मेरी चपाती।
आगे कुछ नहीं, वो बॉडी बन गई थी तो पता चलिए क्यों पॉइंट। गाइस देख सकते हो मेरी कबर्ड की हालत इतनी बुरी हो रखी है, ऑलमोस्ट नीचे पूरा खाली है। मैंने अभी इसका सामान सारा सेग्रीगेट किया है। 4 बजने जा रहे हैं, ठीक कितने बजने जा रहे हैं, हाँ 4 बजने वाले हैं, 3:34 समथिंग टाइमिंग हो रहा है। और मैं बस मेरे बाल गीले थे ऐसे ही मैंने अपना टाई किया। खाना खाने के बाद इतनी तेज नींद आती है ना मुझे आजकल, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि 2 दिन मैं सो गई हूँ तो आज मुझे सोना नहीं था, इसके लिए मैं कुछ कुछ काम लेके बैठी थी। तो ये पूरा नीचे का क्लीन किया है आज मैंने, यहाँ का जो सामान था वो जिस जगह का था वो शिफ्ट किया है, ऊपर अभी भी बचा हुआ है। तो ये मैं क्या तो आपको दिखाती शूट करके, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। इस टाइम दिन के टाइम मेरे हस्बैंड का चल रहा था ऑफिस, और उन्होंने जो ऑफिस बना ऑफिस का काम, एक सेकेंड वेट कर रही हूँ, और थोड़ी देर 10-15 मिनट हो जाएं तो फिर मैं बनाने जाऊँगी चाय। आज मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, अदरवाइज़ अभी हमने बंद करी हुई थी। कभी मैं ग्रीन टी बना लेती थी, बाल खींच गया, तो कभी मैं ग्रीन टी बना रही थी, आजकल नॉर्मल दूध वाली टी। आजकल सब कुछ इन है, कुछ भी आउट नहीं है, जो मन करे जब बना के खा लो। इसीलिए शाम को मैंने डिनर बहुत कम किया आजकल, मैं फ्रूट्स वगैरह से काम चलाती हूँ, लेकिन आज मैं फिर कुछ बनाने वाली हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी क्या बनाऊँगी भाई। और बालों में कॉम करने के बाद भी ऐसी हालत है, काफ़ी टाइम से मैंने बालों में कोई भी हेयर मास्क हेयर पैक नहीं लगाया। वैसे जो मार्केट वाले हेयर मास्क हम अप्लाई करते हैं ना, वो मैंने हाथ से होल्ड किया है, सॉरी सेटू अगर थोड़ा सा शेक हो तो, पहले स्टेबल कर लेती हूँ। हाँ तो आजकल मैं हेयर मास्क के लिए घर का ही कुछ बनाने वाली हूँ। आई थिंक मैं बनाना हेयर मास्क लगाऊंगी, सबसे बेस्ट होता है गाइस, बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं उससे। और उसमें कोकोनट मिल्क अगर आपको मिल जाए, वैसे तो प्रिजर्वेटिव आता है, उससे अप्लाई करो, बाल इतने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं कि मज़ा आ जाता है आपको आपके बालों के साथ। तो अभी आप देख सकते हो बाल बहुत ही रफ बेजान, और कोई शाइनिंग सी ही नहीं दिख रही मुझे इस कैमरे में, फिर भी शाइनिंग दिख रही है, बट रियल में शाइनिंग ऐसा लग रहा है ही नहीं, बालों में बहुत ज़्यादा डल हो रहे हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ हेयर मास्क, 1-2 दिन में केले रखे हुए हैं, लेकिन वो अच्छे से जब गल जाएंगे तब मैं अप्लाई करूँगी, जैसे थोड़े बालों की क्वालिटी सुधर जाए। और अभी बाहर से नहीं मंगा रही हूँ मैं, घर की चीज़ें जो भी चीज़ें हैं जो मुझे सूट करती हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करती हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती हैं हर किसी को इसके लिए। समर्स में ये जो आता है योगर्ट, ये मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसका पूरा स्टोर करके रखती हूँ। मैं दिखाती हूँ इसलिए आपको, ये देखो आप फ्रिज में, ये अभी भी 2 बॉटल बची हुई हैं ऐसे, इसका आई थिंक 5 या 6 का पैक आता है पूरा, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा स्टोर करके रखती हूँ। गाइज मेरा नाइट
स्किन केयर रूटीन ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, बहुत ही क्विकली छोटा सा किया है क्योंकि आज बहुत जल्दी भी कर लिया। इवन अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, अभी मेरा जो नाइट डिनर क्या बोलोगे आप मैं बनाने वाली हूँ जो, वो भी नहीं बनाया है क्योंकि अभी मैं आज थोड़ा सा नीचे अपनी सोसाइटी में ही वॉक करना थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया हमारी सोसाइटी वालों ने, बहुत ही स्ट्रिक्टली हो रहा है सब कुछ, तो बस कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए आज मैं काफ़ी टाइम बाद नीचे सिर्फ 2-3 राउंड मार के आई थी, तो काफ़ी कम से लोग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम जाके घूम गए। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश अप हुआ था, लाइक हाथ मुँह धो के पूरा चेंज वेंज करने का सोचा, तो मैंने मुँह भी धोया, तो उसी में मैंने अपना जो भी थोड़ा मोड़ा सा मैं लगाती हूँ वो मैंने कर लिया है। एंड पीछे ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस बना रखा है उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन उनको यहाँ चेयर में, इस टाइप की चेयर है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये एक चेयर है, इसमें बैठ के एंड यहाँ पे उनका ऑफिस चल रहा होता है, तो ये पूरा सेटअप कर लिया है, तो दिन भर पूरा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। सो अभी बज रहा है 8 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, 7:54 हो रहा है, और मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोनी कम पास्ता कम माइक्रोनी रखी हुई है, बट ऑलमोस्ट सेम जो मैं पास्ता के साथ जैसे डिश पास्ता वाली बनाती हूँ सेम उसी तरह से माइक्रोनी भी बनाने वाली हूँ। मेरा मन कर रहा है और पास्ता है नहीं मेरे पास, माइक्रोनी रखी है, तो सारी चीज़ें भाई इंग्रेडिएंट डालूंगी तो सेम ही टेस्ट आने वाला है, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। और आज बहुत सारा दूध स्टोर हो गया है मेरे पास, यानी कि कच्चा दूध रखा है कम से कम 4 पैकेट, आई डोंट नो कितना रखा है, तो उसका मैं बनाऊंगी कुल्फी, होममेड कुल्फी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको पका के अच्छे से रखना होगा, और मेरे पास कुल्फी के स्टैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन टेम्परेरी जो चीज़ें घर में है ना उससे बनाने वाली हूँ मैं सिंपल। तो अभी कुल्फी तो हम अभी नहीं खाई है, अभी बना के रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो कल खाने के काम में आएगा। एंड अभी बनाने जा रही हूँ मैं माइक्रोनी। तो आजकल वैसे हमारा लंच डिनर ऑलमोस्ट से थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है, बट अभी मुझे मन कर रहा है तो मैं बना लेती हूँ, टाइम भी काफ़ी है, अभी बहुत लेट नाइट तक तो जागने वाले हैं ही, तो चलो बनाते हैं आज की माइक्रोनी। सबसे पहले अपने बालों को मैं टाई कर लेती हूँ, किचन में मैं कोशिश करती हूँ बाल बंधे हो, कि आप लोगों में से लोगों के किसी कमेंट आते हैं कि बालों में से खारे निकलते हों, खारे में से बाल, क्या हो गया है आज मुझे, मैं ज़्यादा ही वो कर रही हूँ, खाने में से बाल निकलते होंगे, पूरे टाइम बाल खुल के घूमते हो, तो भाई मैं ऐसे भी नहीं है कि मेरे बाल ऐसे टपक रहे होते हैं, मुझे पता है मैं बालों को टाई करके रखती हूँ, सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बोला है कि आप बाल पूरे टाइम खोल के रखते हो, तो खाने में से किचन में भी कौन खोल के करता है बाल, तो मेरी आदत है मैं खोल के रखती हूँ या इनको टाई करके रखती हूँ, तो मुझे पता है जब मैं किचन जाती हूँ तो इनको, आपने हमेशा देखा होगा मैं इस तरह से बांध के ही रखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि खाने में से बाल निकल रहे हैं। तो मैंने इसमें माइक्रोनी ऑलरेडी बॉयल होने रख दी है, और आप देखोगे अच्छे से ये बॉयल ऑलमोस्ट हो गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये जो पानी है ये मैं निकाल लूँगी इतना थोड़ा सा, और इसको जब मैं पास्ता बनाऊँगी, सॉरी माइक्रोनी, दोनों भाई बहन लगते हैं, तब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसे मैं ड्रेन कर लेती हूँ, ऑलमोस्ट ये पक गई है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट तैयारी करके रखी है, मशरूम काफ़ी सारा लिया है मैंने कट करके, और ये मिक्स वेज है, ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम एंड ऑनियन एक अच्छे से फाइन चॉप, और ये मैंने गार्लिक फाइन चॉप किया है, और ये बॉइल्ड टमाटो करके इसमें 2 रेड चिली बॉइल किया, एंड इसका मैंने पेस्ट बनाया है। दूसरा मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मार्केट में जो बना हुआ होता है मदर्स का, बस इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाऊंगी अपना माइक्रोनी कम पास्ता। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने जो कुल्फ़ी बनानी थी उसके लिए ऑलरेडी दूध चढ़ा दिया है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे एक मोटी सी एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली थी, उसमें दूध चढ़ा के स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, एंड उसके बाद हम अपनी माइक्रोनी खाने के लिए बैठ गए थे, तो बस वो फिनिश करके मैं देखने आई हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा दूध आप देखोगे अच्छे से मलाई हो गया है। तो इसमें मैं सिर्फ इलायची और काजू डालूंगी ड्राई फ्रूट्स में, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में नहीं डालूंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे सिंपल दूध वाली कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इसके लिए।
और ऑलमोस्ट ये देखो आप दूध अच्छे से पक गया है। इतना कम टाइम में मैं दिखा रही हूँ बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था गाइस, मैं थक गई थी इसको बनाते हुए। और मैंने अकेले नहीं किया है ये सारा सब कुछ, मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, बट ऑब्वियस सी बात है। ऑलमोस्ट ठंडा सा भी हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, बट मेरे पास इसके कोई भी स्टैंड सांचे कुछ भी नहीं है, तो मैंने ली है सेम साइज की छोटी छोटी कटोरियाँ और मैं इसमें डाल के रख दूँगी जिसमें खाने में इजी रहे। आप चाहें तो इसे एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं बट मैं इसमें जमा रही हूँ, तो चलो इनको निकालते हैं। ये मैंने इस तरह से सारी कटोरियों में 2 से 2.5 चम्मच के अराउंड एक साथ साई निकाल दी, और अब मैं इसे फ्रीज होने के लिए रखूँगी। रात के बज गए हैं 11:30 और ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया। पकाने वाला काम मैंने मोस्टली अपने हस्बैंड को दिया कि ये पका दो आप, क्योंकि बहुत देर तक और मैं प्लेटफॉर्म में बैठ जाती हूँ, वो करा है मैंने। तो मेरा सब कुछ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, कुछ क्लिप हैं उनको वीडियो मतलब लैपटॉप में डालूंगी और छोटे मोटे से काम, तो अब बस इसके बाद मैं सोने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग अपने ब्लॉग आज पता नहीं क्या हुआ है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है मुझे पता नहीं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।